नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड में आपदा प्रबंधन का रैपिड फास्ट रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। पहला क्वेश्चन है, भूकंप संवेदनशीलता के दृष्टि से झारखंड राज्य को किस जोन में रखा जा सकता है? जोन 2, 3 और 4 में, यानी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भूकंप जोन 2 के तहत झारखंड के कितने जिले आते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 जिले आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भूकंप जोन 3 के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? सही आंसर है 15 जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भूकंप जोन 4 के तहत झारखंड का कौन सा जिला शामिल है? आंसर है गोड्डा और साहिबगंज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भूकंपीय संवेदनशीलता के दृष्टि से झारखंड के सर्वाधिक संवेदनशील 2 जिले कौन से हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साहिबगंज और गोड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? सही आंसर है अत्यधिक मानसूनी वर्षा के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड राज्य का कौन सा भाग बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होता है? आंसर है उत्तर पूर्वी झारखंड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड में आने वाले बाढ़ के निम्न में से कौन से नकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, बी, सी तीनों, यानी कि धान की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव, मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव, शहरी क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था पर दुष्प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड राज्य का कौन सा भाग सूखा के प्रकोप से सर्वाधिक प्रभावित होता है? 9 का सही आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड राज्य का कौन सा जिला सूखा से सर्वाधिक दुष्प्रभावित होता है? सही आंसर है पलामू, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड में सूखा जैसी समस्या से निपटने हेतु निम्न में से कौन से कदम कारगर सिद्ध होंगे? सही आंसर हो जाएगा वाटर शेड मैनेजमेंट, जलाशय का निर्माण, वृक्षों की कटाई, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड राज्य में तड़ित झंझा एक प्रमुख आपदा है जिससे व्यापक पैमाने पर जान माल की हानि होती है। इस समस्या से निपटने हेतु निम्न में से कौन से उपाय कारगर सिद्ध होंगे? सही आंसर हो जाएगा वर्षा के दौरान घरों से बाहर ना निकलना, वर्षा के समय पेड़ों के नीचे ना रुकना, बिजली और तार के खंभे से दूर रहना, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूमिगत कोयला खदानों में आग लगने वाली आपदा के कारण सर्वाधिक चर्चा में रहता है? सही आंसर है झरिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड के जंगलों में आग लगने के प्रमुख कारण क्या है? सही आंसर हो जाएगा 14 नंबर का ऑप्शन ए, बी, सी तीनों, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आम लोगों द्वारा ज्वलनशील वस्तुओं का जंगल में प्रयोग, मानव द्वारा वन उत्पाद के संग्रहण के दौरान रोशनी हेतु आग जलाना, शुष्क पतझड़ वनों के आपस में टकराने से उत्पन्न आग, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड के जंगलों में आग जैसी आपदा से निपटने हेतु निम्न में से कौन से प्रयास कारगर सिद्ध होंगे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, सी तीनों, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी कह सकते हैं कि अधिक आयु के वृक्षों को काटकर उनके स्थान पर नए वृक्ष लगाने चाहिए, जंगलों में फायर टावर का निर्माण किया जाना चाहिए, वनों का सड़कों द्वारा विभाजन किया जाना चाहिए, उपरोक्त सभी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड में जंगली हाथियों द्वारा मानवीय बसावट क्षेत्र में किए जाने वाले आक्रमण का प्रमुख कारण क्या है? सही आंसर है मानव द्वारा हाथियों के प्राकृतिक आवास में हस्तक्षेप किया जाना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड में जंगली हाथियों के ग्रामीण बसावट में प्रवेश करने पर उन्हें भगाने हेतु किस प्रकार के तरीके का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, सी तीनों, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ढोल नगाड़े बजाना, आग द्वारा हाथी को डराना, मिर्च के गंध द्वारा हाथियों को भगाना, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के किस धारा के तहत किया गया है? आंसर है धारा 14 के 1 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 9 सदस्य हो सकते हैं, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता हेतु गठित राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है राज्य के मुख्य सचिव, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, राज्य आपदा विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था? सही आंसर है 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22,
झारखंड में आपदा प्रबंधन के दौरान राहत कार्य के संचालन हेतु गठित राज्य आपदा कार्रवाई कोष में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी क्रमशः कितनी होती है? 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 75% एंड 25% ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड राज्य में किस वर्ष आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, आपदा से संबंधित विभिन्न पहलू से संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के किस संस्थान द्वारा आपदा केंद्र प्रबंधन का संचालन किया जा रहा है? 24 का आंसर है श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड राज्य द्वारा आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन यानी कि सृजन का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? 25 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि आपदा पूर्व जानकारी तथा इससे जुड़ी समस्याओं की जानकारी एवं उनके प्रभाव को न्यून करने हेतु, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है, राज्य में सूखा से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक और तकनीकी कार्य का संचालन करता है? सही आंसर हो जाएगा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, राज्य में खनन से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन से संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्य का संचालन करता है? सही आंसर है भारतीय खनन स्कूल धनबाद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, राज्य में भूकंप से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक और तकनीकी कार्य का संचालन करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए BIT मिश्रा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, राज्य में बाढ़ से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्य का संचालन करता है? सही आंसर है JSAC, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, राज्य में जंगलों में आग से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्य का संचालन करता है? सही आंसर है JSAC, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, प्रखंड स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है प्रखंड विकास पदाधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, ग्राम स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है ग्राम सभा का मुखिया। इस तरीके से 32 क्वेश्चन हमने आपदा प्रबंधन से किया है। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक एक लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले अपडेट पाने के लिए।